नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नई सुबह। मैं हूं हमवीर सिंह और अभी हमें शकरपुर में वार्ड नंबर 202 में, और हमारे साथ हैं शरद दीक्षित जी। पार्टी आम आदमी पार्टी ने उन पर भरोसा किया है और वो जनता के लिए क्या क्या करेंगे, उनकी क्या क्या प्लानिंग चल रही है, और अगर पार्टी जनता भरोसा करती है तो शरद दीक्षित जी से जानते हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं शरद दीक्षित। आम आदमी पार्टी ने मौका दिया है मुझे 202 वार्ड शकरपुर से चुनाव लड़ने का, और मेरा जो एजेंडा है वो ये है कि दिल्ली को, वार्ड को कूड़ा मुक्त करना। मैं समझता हूँ नगर निगम का काम यही है कि सफाई, जो हमारी गलियाँ हैं, नालियाँ हैं, उनकी सफाई करना, मलेरिया डेंगू के समय में दवाइयाँ डलवाना, लोगों को एक्सेसिबल एक ऐसा पार्सल चाहिए जो जहाँ से निकले तो लोगों से मिलता हुआ जाए, लोगों के बीच में रहे। पार्कों की स्थिति ख़राब है, लाइटें नहीं जलती हैं वहाँ पे, महिलाओं के लिए दिक्कत है, तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो ये मेरा मुद्दा रहेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा मेरा जो शकरपुर में एक हमारी जगह थी जहाँ पर पुराना खत्ता था, वहाँ पर एक मैं समझता हूँ कि अवैध कब्जा हो गया, तो उसको हमें छुड़वाना है। और मैं अगर वायदा करता हूँ कि एक महीने के अंदर अगर मैं पार्षद बनता हूँ तो वहाँ डिस्पेंसरी खुलवाने की कोशिश करूँ। जिस तरीके से भाजपा ने वहाँ पे ये मतलब रसोई, जन रसोई खुलवाई है, कोई प्लानिंग की होगी, और लगातार यहाँ से भाजपा का राज रहा है, तो क्या क्या कमी मानते हैं जो कि भाजपा नहीं कर पाई है, जो आप करेंगे अगर जनता आपको मौका देगी तो? सबसे पहले तो मैं उपलब्ध रहूँगा लोगों को, 24 घंटे उपलब्ध रहूँगा। और मैं समझता हूँ कि शकरपुर का हर आदमी ये महसूस करेगा कि वो खुद पार्षद है। उसको ज़रूरत नहीं है कि शरद दीक्षित के माध्यम से कोई काम हो। किसी भी ऑफिस में जो मेरे माता आएगा, पार्षद के माता आएगा जो दिल्ली नगर निगम का है, अगर वही कहेगा कि शकरपुर से आया हूँ, तो ये महसूस करेगा कि मैं पार्षद हूँ और वो पार्षद के रूप में खुद काम कराएगा। मैं मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे को किसी की सिफारिश करनी है। मैं ऐसा वहाँ माहौल क्रिएट करूँगा शकरपुर के। सर, सभी नेता ना एक ही बात बोलते हैं, जीतने के बाद सब बदल जाते हैं, तो आप में सबसे अलग विशेष बात क्या है, क्या कहना चाहेंगे जनता को? जनता को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर जो मैं वायदे कर रहा हूं या जो मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं वो समझते भी हैं कि मैं जो कहता हूं वो करता भी हूं, और मैं उस तरह का नेता नहीं हूं, एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। शकरपुर में मेरा जन्म हुआ है, फिर बड़ा पढ़ा हूं, सब लोग जानते हैं मुझे, कोई मैं बाहर से नहीं आया हूं, और मैं जो कहूं कहता हूं वो करता हूं, ये सब लोग जानते हैं। सर, कूड़े के ऊपर बहुत बड़ी राजनीति चल रही है दिल्ली में कि पूरी दिल्ली को कूड़ा घर बना रखा है, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके से जो कूड़े की राजनीति हो रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सीधी बात है, मैंने तो सबसे पहले कहा कि दिल्ली नगर निगम का जो चुनाव है उसका जो भी महत्व काम आता है, सबसे बड़ी बात है सफाई की। और सफाई की तो हम देख रहे हैं कि पिछले 15-17 साल के अंदर बीजेपी का यहाँ पर राज था MCT के अंदर, और हमें जो गिफ्ट मिला है दिल्ली वासियों को वो कूड़े का मिला है। कूड़े के 3 पहाड़ वहाँ पर हैं, और उसको ये दिखाने के, क्योंकि चुनाव आ गए तो उसको फैला रहे हैं, दूसरी जगह फैला रहे हैं, उसे डैमेज हो रहा है। अभी गाजीपुर में ये हादसा हुआ, तो हमारा ये है आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल जी का ये विजन है कि हम अगले चुनाव तक 5 साल तक दिल्ली को पूरी तरह से कूड़ा मुक्त करेंगे। उसके लिए पूरा रोड मैप बन चुका है, उसके लिए तैयारी हो चुकी है, सिवाय हम खाली वेट कर रहे हैं कि 4 तारीख को चुनाव हो, 7 तारीख को रिजल्ट आए, और अगले दिन से हम लोग सब मिलकर जितने भी पार्षद आम आदमी पार्टी के आएंगे, केजरीवाल जी के रूप में हम काम करेंगे और दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाएंगे। सर, एक मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरीके से आजकल भूकंप भी आ रहा है और दिल्ली में अवैध रूप से निर्माण बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और आप देख ही रहे हैं किस तरह ज़्यादा भ्रष्टाचार होकर के बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ऊंचाई, जो समय जो ऊंचाई तय की गई है उससे ज़्यादा ऊंचाई से मकान बनाए जा रहे हैं, इस भ्रष्टाचार को कैसे कम करेंगे और कैसे आप पर मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी बात तो आपने कही थी, और मैं समझता हूँ कि ये तो उनकी पार्टी के लोग भी समझते हैं कि जो भी जिनको वो टिकट देते हैं वो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं पिछले 15-17 साल से, तभी इस तरह से दिल्ली डेवलप हो रही है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि भ्रष्टाचार होता क्यों है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि चाहे आप लाइसेंस लो, आप फाइल पास कराओ, आप उसमें टेक्निकल दिक्कत आती है। तो हम लोग नगर निगम में अगर आते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, तो जिस तरह से हमने दिल्ली सरकार के अंदर 150 से ज़्यादा सर्विसेज को हमने डोर स्टेप सर्विसेज के रूप में रखा है, उसी तरह से जो नक्शा पास करने का बहुत इजी तरीका कर देंगे, जिससे कि हर एक आदमी नक्शा पास कराएगा, जो 1-2 लाख, 3 लाख JEE को, AEE को या दूसरे लोगों को निगम पार्षद को देता है वो ना देना पड़े, और अगर वो 3-4 लाख रुपये अपनी बिल्डिंग में लगाएगा तो उसका जो स्ट्रक्चर की क्वालिटी है वो मजबूत होगी, मैं ये समझता हूँ। तो हम जो आपने कहा कि नई बिल्डिंगें जो बनेंगी तो कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो अपने मकान में वो पैसा लगाएगा जिससे कि बिल्डिंगें मजबूत बनेंगी, और ऑफिशियली भी हम जो नगर निगम से जो भी सहायता होगी वो करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो जिस तरीके से शरद दीक्षित जी ने वादा किया जनता से कि जो अभी तक उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार हो रखा था वो भ्रष्टाचार पर पूरी तरीके से लगाम लगाया जाएगा और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो जनता से वादा किया है वो पूरा करेंगे। मैं हमवीर सिंह, मीडिया नई सुबह, मेरे सहयोगी प्रकाश मिश्रा, दिल्ली शकरपुर।